तो गाइस अभी चल रहा है डेमन स्लेयर का सीजन, जहां पर इसका सीजन 3 आ चुका है एंड इसमें अभी तक 9 एपिसोड आ चुके हैं और ये 9 के 9 एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं। बट आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं उस बंदे के बारे में जिसकी वजह से यार ये डेमन स्लेयर कहानी की शुरुआत हुई, या उसकी वजह से ही डेमन्स का जन्म हुआ जिन्होंने यार हमारे प्रोटैगनिस्ट तांजिरो एंड उसके फ्रेंड्स के या सीरस के सबके फैमिलीज के या सबके लाइफ को इम्पैक्ट किया इस स्टोरी में। एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट मुजान जैक्सन। यार मुजान है वो बंदा जिसकी वजह से यार इतने सारे डेमन स्लेयर के यूनिवर्स में आए एंड उन्होंने यार इतने सारे बंदों को मार दिया क्योंकि उनको मुजान के लिए एक फ्लावर ढूंढ कर आना था। यस एक फकिंग फ्लावर। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यार मुजान के बारे में, उसकी बैक स्टोरी एंड डेमन्स के बारे में कि कैसे वो इस दुनिया में आए, उनका ओरिजिन क्या है और उनका मुजान के साथ क्या है रिलेशनशिप। तो यार ये वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। और यार ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक चीज़ बोलूँगा यार कि प्लीज़ अगर आप न्यू हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि यार मैं बहुत ही क्लोज हूँ 10K सब्सक्राइबर के। एंड यार अगर आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो चाहिए यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। एंड अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार यहाँ पर मुजान का जन्म होता है तकरीबन 10,000 साल पहले हायन युग में। तो जैसे हिंदुइज्म में बहुत सारे युग होते हैं ना, वैसे ये डेमन स्लेयर के भी यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग युग हैं। और उसका जन्म होता है यार एक बहुत ही अमीर एंड वेल्दी फैमिली में। लेकिन उसके पैदा होने के बाद ही भगवान को अपनी गलती समझ आ गई थी कि यार ये कैसा हैवान हमने इस दुनिया में उतार दिया है, और इसलिए एंड मौके पे भगवान ने उसको इतना कमज़ोर बनाया कि वो पैदा होने पे ही तकरीबन मर चुका था, उसकी सांसें बंद हो गई थी एंड उसको मरा हुआ घोषित कर दिया था। लेकिन स्टिल बेबी मुजान किसी तरह अलाइव रह जाता है। लेकिन ये चीज़ उसकी एक बीमारी बन जाती है, जहाँ पर वो बचपन से लेकर जितना भी वो बड़ा हुआ उसके साथ ये बीमारी चिपकी रह गई एंड वो बहुत ही कमज़ोर बन गया, जहाँ पर उसको बताया गया कि उसकी मैक्सिमम एज बस 30 साल ही होगी। और इसी वजह से मुजान के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर भी आ गया एंड फियर भी आ गया, फियर ऑफ डेथ, जिसके बाद उसकी फैमिली ने उसका बहुत ज़्यादा इलाज भी कराया एंड हर जगह हर कोने में जाकर उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका इलाज कभी कर ही नहीं पाया एंड उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा नहीं पाया। अंटिल एक बहुत ही अनजान डॉक्टर सामने आता है और मुजान का इलाज करके उसको सही करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वो मुजान पे कई महीनों तक एक्सपेरिमेंट करता है एंड उसको अलग अलग तरह के मेडिसिन देता है, लेकिन स्टिल मुजान के अंदर बहुत ही गुस्सा होता है कि वो सही नहीं हो पा रहा होता है एंड उसी गुस्से में आकर वो उस डॉक्टर को मार देता है। लेकिन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नोप, इस डॉक्टर की दवाइयाँ मेरे पे असर कर रही हैं एंड अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। लेकिन देन उसको इस चीज़ का एक डाउनसाइड भी पता चलता है कि अब वो सन में बाहर नहीं जा सकता, और जैसे ही वो सन में बाहर जाने की ट्राई करता है तो उसकी स्किन बहुत बुरी तरह जलने लगती है, और ये चीज़ मुजान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी एंड वो और गुस्सैल बनता चला गया, जिसके बाद वो एक परफेक्ट इमोटर बॉडी की तलाश में लग गया कि उसको एक परफेक्ट इमोटर बॉडी बनाना है अपने आप को। और ऐसे दिन बाय दिन बीतते गए और यहाँ पर मुजान के अंदर अलग अलग तरह की पावर आने लगी एंड वो अलग अलग तरह के चेंजेस अपने बॉडी के अंदर नोटिस करने लगा, और उनमें से एक चेंज था कि वो अब मीट के लिए पागल हो रहा था और उसको इंसानों का मीट ज़्यादा पसंद आने लगा था एंड उसको इंसानों को मार के उनका मीट खाने में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं थी, और इसलिए वो उसी डॉक्टर की दवाइयों पे रिसर्च करने लगा कि उसको ये दवाइयाँ मिली कहाँ से। और देन उसको पता चलता है कि ये एक फ्लावर से निकलती हैं जिसका नाम होता है ब्लू लिली फ्लावर, जो कि एक बहुत ही रेयर फ्लावर है एंड ये आसानी से पाई नहीं जाती है। और इसी तरह अब मुजान एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी बनने लगा था। लेकिन स्टिल यहाँ पर उसकी ये प्रॉब्लम कि वो सन में नहीं जा सकता उसको बहुत ही चुभती थी, जिस वजह से यार उसने पूरी दुनिया घूम ली बस ब्लू लिली की तलाश में, लेकिन उसको ब्लू लिली फ्लावर कहीं पर भी मिले नहीं। उसके बाद उसने सोचा कि अब यार मैं पागलों की तरह इधर उधर भागूंगा नहीं, बल्कि अब मैं इंसानों को ही अपना खून देकर डीमन बनाने लगूंगा, और उसने वही किया। वो अब अलग अलग जगह जाकर लोगों को डीमन बनाने लगा एंड उसका बस एक बूंद ब्लड ही लोगों को बहुत ज़्यादा पावर दे देती एंड उनको डीमन बना देती।
और दूसरा रीज़न ये भी था कि वो इसलिए इतने सारे बंदों को मार मार कर डीमन बनाता ताकि उसको किसी दिन ऐसा डीमन मिले जो कि सन को सह सके, एंड देन वो उस डीमन को मार के उसकी पावर अपने अंदर ले ले। और यार जिसको पता है उसको पता है कि अब ये बंदा उसमें सक्सीड हुआ था, लेकिन बहुत ही लेट हो गई थी उस समय तक बातें, और मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ कि मैं बस उन्हीं को बता रहा हूँ जिनको पता है ये बात। और यार यहाँ पर इसी तरह डीमंस इस दुनिया में आए और उन्होंने इतने सारे बंदों को मार दिया, एंड मुजान ये वो एक लौता रीज़न जिसकी वजह से यार ये डीमंस इस दुनिया में आए, एंड इसलिए वो है डीमन किंग। तो यहाँ पर यार डीमंस ने 100-200 साल तक बहुत ही आतंक मचाया इस दुनिया के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर हाई एंड पीरियड ख़त्म होता है एंड अब आता है सरिंगोकू युग। और यहाँ पर जन्म लेता है एक बंदा, एक ऐसा बंदा जिसको यार खुद भगवान ने भेजा था इस धरती पे ताकि वो अपने पाप मिटा पाए जो गुनाह उसने कर दिया था मुजान को इस दुनिया में भेजकर। तो यहाँ पर मुजान एक विलेज में जा रहा होता है आतंक मचाने के लिए, और तभी उसके सामने आ जाता है वो बंदा, एंड ये बंदा और कोई नहीं है, ये है योरीची सोगेकुनी। योरीची वही बंदा है जिसके फ्लैशबैक मुजान के बहुत सारे डीमंस को दिखाई देते हैं क्योंकि उसके अंदर मुजान का सेल एंड ब्लड्स हैं, एंड योरीची ने इतना सीवियर पीटीएसडी दिया मुजान को कि मुजान अभी तक उसको भुला ही नहीं पाया है इस फाइट के बाद जो कि यहाँ पर मुजान एंड योरीची की होती है। तो यहाँ पर ये मैं पूरी फाइट नहीं कवर करने वाला, मैं योरीची के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ यार, तो यहाँ पर मैं उसके फाइट के बारे में नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की फाइट होती है और यहाँ पर मुजान योरीची पे अटैक करता है और कहता है कि मैं तुम जैसे ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करने वाले शरीर से नहीं डरता हूँ। और यहाँ पर योरीची अपने पावर्स का यूज़ करके ये जान लेता है कि यार यहाँ पर मुजान के 7 ब्रेन एंड 5 दिल हैं सही में, जो कि वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर ही। और यहाँ पर देन योरीची अपने सारे मूव्स कंप्लीट करके एक प्रॉपर मूव मारता है मुजान को अपनी रेड सॉर्ड के साथ, एंड इस अटैक ने पूरी तरह से मुजान को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पर वो अपनी रीजनरेशन एबिलिटी को यूज़ कर ही नहीं पाया कटने के बाद, एंड उसने अपने गले को होल्ड कर लिया क्योंकि यहाँ पर उसका गला भी पूरी तरह से कट चुका था, एंड अगर यहाँ पर उसका गला नीचे गिर जाता तो वो कभी उसको रीजनरेट कर ही नहीं पाता। योरीची उसको पूरी तरह इस फाइट में डोमिनेट करता है एंड बहुत बुरी तरह उसको PTSD भी दे देता है। यहाँ पर दें योरीची बिना कोई और टाइम वेस्ट के उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन दैन यहाँ पर मुजान अपने शरीर को बहुत सारे टुकड़ों में ब्लास्ट कर देता है, और यहाँ पर भी योरीची हार नहीं मानता है। मुजान ने अपने 1800 टुकड़े किए थे एंड उनमें से योरीची 1500 को काट देता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक सिर के बराबर पीसेस बच जाते हैं मुजान के, एंड वो यहाँ से निकल लेते हैं और मुजान किसी तरह बच जाता है योरीची के अटैक के बाद भी, और अपने आप को देन आराम से रीजनरेट भी कर लेता है। लेकिन स्टिल ये जो एनकाउंटर था इसने मुजान को बहुत ही बुरी तरह स्कार्ड कर दिया था उसके रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। और यहाँ पर देन वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी भी सन ब्रीदिंग यूज़ करने वाले शरीर को पहले ही मार देगा ताकि उसको अगेन योरीची जैसा बंदा उसके सामने मिले ही ना। तो यार यही है इस वीडियो का एंड, और यहाँ पर मैंने बस बात की है यार मुजान के बैक स्टोरी के बारे में, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी के बारे में मैंने बात नहीं की है क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा उसके पूरी की पूरी स्टोरी के ऊपर तो यार देन ये वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है, एंड यह वीडियो होगी बहुत ही मज़ेदार अगर मैं पूरी की पूरी वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर, लेकिन स्ट्रिप ऑफ वीडियो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की हो सकती है। तो यार अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है मुजान के बारे में देन यार आपको प्लीज़ कमेंट करना होगा इस वीडियो के अंदर, या जैसा रिस्पांस आएगा इस वीडियो पे मैं उसी हिसाब से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। लेकिन यार टिल देन प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो एंड गुड बाय।